दोस्तों के सरकारी योजना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि विभाग के द्वारा दी जाने वाले सब्सिडी योजना के तहत योजनाओं के बारे में तथा कृषि यंत्रीकरण के बारे में, इसमें चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, किसानों को अनुदान पर दिए गए ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख रहा है किसानों को अनुदान पर दिए गए ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्टर जैसी भारी भरकम चीज को भी खरीदने के लिए आपको सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। तो आप देर न करते हुए आप भी फॉर्म भर करके और कृषि सुविधाओं का लाभ सब्सिडी के तहत ले सकते हैं, जिसमें ट्रैक्टर के साथ है ना छोटे बहुत बड़े मशीनरी सरकार के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप भी अगर कृषक हैं और आप भी जो है ट्रैक्टर या किसी भी अन्य प्रकार के कृषि संबंधित यंत्र या खरीदारी करना चाहते हैं सब्सिडी के आधार पर, छूट के आधार पर, तो आप भी रजिस्ट्रेशन करके टोकन प्राप्त करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए टोटल हम लोग जानते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। जैसा कि आपको दिख रहा है किसानों को अनुदान पर दिए गए ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र, यहाँ पर देखिए लिख रहा है किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सके, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में 22 अक्टूबर के दिन बिहार कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किसानों के बीच कृषि यंत्र बैंक और कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों का वितरण किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार अग्रवाल भी उपस्थित रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर बिहार विभाग के द्वारा, बिहार कृषि विभाग के द्वारा जो है कहा जाए तो ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों का हायरिंग सेंटर केंद्र की स्थापना के लिए सब्सिडी पर बहुत सारे यंत्रों को यहां पर दिया गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है, उसी क्रम में राज्य के किसानों को आधुनिक तरीके से खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विभाग अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद के लिए अनुदान दे रहा है। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि यंत्र, सिंचाई, बीज, खाद, बाजार व कृषि यंत्रों के साथ साथ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आगे लिख रहा है ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर दिया गया अनुदान। कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 1617 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। इसी कड़ी में 17 जिलों में कुल 39 किसान समूहों के बीच 19 कस्टम हायरिंग सेंटर, 3 फार्म मशीनरी बैंक एवं 17 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 3.04 करोड़ रुपए के अनुदान पर ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। किसानों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ बिहार के किसानों को मिल रहा है। किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान। कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों को कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्यों के किसानों को 75 प्रकार के विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीदारी था। राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर कुल 186 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। सरकार द्वारा इसके लिए अलग अलग कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। किसान किराए पर ले सकेंगे कृषि यंत्र। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार में लगभग 97% किसान सीमांत एवं लघु श्रेणी के हैं। इनको खेती की सुविधा प्रदान करने के लिए न्यूनतम किराए पर आवश्यकता अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 75.07 करोड़ रुपए अनुदान राशि के कृषि यंत्रों की आपूर्ति किसानों को की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर, 101 फार्म मशीनरी बैंक एवं 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य है, जो कि इस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।